दिया था कि आज हम कहीं जाने वाले हैं तो वहीं पे हम सामने पेड़ है मनाया बालकनाथ बाबा है अभी इसके बालकनाथ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं बालकनाथ जी के मंदिर, तो मैं आपको दर्शन कराऊंगी। मैंने कह दिया था कि आज हम कहीं जाने वाले हैं तो वहीं पे हम जा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखे बैठ चुके हैं ऑटो में और हम जा रहे हैं बालाजी के मंदिर। और हमारा भाई देखिए कैसे खुश के बैठे हम, ऐसा लग रहा है हमें अपने भाई के ऊपर बैठना पड़ेगा। अब वो फालतू लग गया तो फाइनली हम बैठ गए हैं। जगह नहीं मिलती है, रहा है देखो चलो बाबा जी के बालकनाथ का पोस्टर लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा पोस्टर है, ये देखिए कितनी अच्छी मूर्ति है भगवान जी की, बहुत ही अच्छी लगी है। और सिया हमारी गंदी जा रही है। सिया को बहुत मजा आ रहा है। मुश्किल मूर्ति है यहाँ पे, और शिव जी की मूर्ति भी है और बालकनाथ जी की भी है, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर लगी हुई है इनकी, जिसमें बहुत अनेक रचनाएं हैं। जन्म वैसे मेन चीज बता देते हैं, गुजरात में जन्म हुआ, बनारस में शिक्षा ग्रहण की, हाँ जी, और वहाँ से फिर अपने गांव गए, वहाँ माता पिता शादी करवाना चाहते थे, तो फिर उन्होंने घर बार छोड़ दिया, इसी कारण से फिर ये निकले। जा कर के जन्म का संस्कार थे जहाँ हिमाचल गए, वहाँ माता रहती थी, वहाँ सामने पेड़ है मनाया जाए माता रत्नों नाम है इनका। इनके यहाँ रुकते थे पिछले जन्म में, 2.5 घड़ी रुकी थी, 12 साल का वो सेवा की। और इनके गुरु दत्तात्रेय भगवान है, भोले बाबा के दर्शन हुए, मानसरोवर में माता पार्वती मिली, तो उन्होंने भोले बाबा के दर्शन किए, तो आशीर्वाद प्रदान हुआ कि भाई प्राप्त हुआ कि आप बाल स्वरूप में ही कलयुग में आपकी पूजा हो। उनका नाम बालकनाथ था। अच्छा, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान के गुरु है, फिर इनकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, उनको शिष्य बनाना चाहा फिर भी नहीं बनी। इनके पास एक कमंडल होता है, जैसे कमंडल रखा है वैसे ही भाई, अगर आप इस कमंडल रखा हुआ है यहाँ पे, इसको चिप्पी कहते हैं, चिप्पी बोलते थे वो, उनके होता था उनके पास कुछ ऐसा, भाई इसको भरवा। उन्होंने एक औरस गाय बुलाई, जैसे थाप लगाई तो अपने आप दूध की धारा को पूरा भर गया। हो सकता है, उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये तो कोई भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी छाला उड़ाई, तो उन्होंने अपने बोले इसको नीचे ले आओ। बाबा का चिमटा होता है, चिमटे से उसको काट के वो आधा नीचे आ गया। तो गोरखनाथ जी नहीं माने, उन्होंने बोला कि नहीं शिष्य बनाना ही है। वो लोग कानों में मुद्रा डालते हैं, वो बड़ी मोड़े होते हैं ना, नाथ संप्रदाय में देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी मुद्राएं होती हैं वो डालते हैं। तो इनके कान से दूध की धार निकली, तो इनका नाम फिर भी दूधाधारी पड़ा है। अच्छा, तो इनकी महिमा अनंत है और लोग मानते भी है, हिमाचल में बहुत ज़्यादा मानते हैं, पंजाब पूरा पंजाब आता है। चैत में इनका मेला लगता है हिमाचल में, वो एक महीने का होता है, एक महीने में वो मतलब पूरा पंजाब हिमाचल तो होता ही है, बाहर के विदेश के लोग भी वहाँ जाते हैं। ये हमारी संस्था है,
हिमाचल से ही है, जितने कर्वी लोग हैं यहाँ प्रदेश में रहते हैं उनका माध्यम से बाबा जी का मंदिर बना है। इनको 14 साल हुए स्थापना दिवस से, इनका 14 साल को हुआ। मंदिर का कार्य तो पहले से शुरू हुआ था, बस वहीं रहते हैं। माता के यहाँ रुके 12 साल गौ सेवा की, और एक दिन जब जाने का समय हुआ 12 साल पूरे हुए तो मैं सोचा कि अब बाबा एक जगह ज़्यादा नहीं रुक सकते, इसीलिए जा करके गऊ माता चराते थे, गऊ माता की सेवा करते थे, तो गेहूँ की फसल थी तो उसमें छोड़ दी, हरी भरी थी तो वो सारे नष्ट कर देते गांव वालों ने। ऑब्जेक्शन किया भाई कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसी माता ने थोड़ा सा ताना मार दिया, इन्होंने मना किया था कि आप अपना भाई आप मैं आपके यहाँ तब रहूँगा यदि आप मुझे ताना नहीं मारोगे कि आप, उन्होंने बोला कि आपने मेरी लस्सी रोटी इतनी खाई 12 साल में हमने आपकी सेवा की, तो इसके बदले आपने आज मुझे ये दे पूरे गांव वालों ने बदनाम कर दिया। तो बाबा ने ये दिखाया पेड़ों में, बोलो माता ये तेरी लस्सी रोटी, लस्सी चिमटा नीचे गाड़ा वहाँ लस्सी निकली, और पेड़ों में जो 12 साल की रोटियाँ ले माई तेरी 12 साल की रोटियाँ और लस्सी। बोलो हम तो वायु का वायु को ग्रहण करते हैं, खाना नहीं खाते, तो इसके उनका पौणाहारी बोलते हैं, बोलो पौणा बोलते हैं वायु, तो वो पौणाहारी नाम रखा गया इन गौ के बाद। फिर जाओ ना जाओ अपने खेत देखो, मैंने अपने खेत देखे देखे तो हरे भरे थे, जितनी फसल थी उससे 4 गुना निकले। वहीं से जाकर के एक धौलगिरी पर्वत थे उसमें गुफा थी, उसमें एक राक्षस रहता था तो उसका उद्धार किया, वहीं उसी गुफा में ये रहे। गुरु रघुनाथ जी ने उनको पकड़ा, फिर भाई अब पकड़ने के मैंने सोचा कि नहीं ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, उन्होंने अपना बेग जितना गर्वी था तब से तपस्या पूर्वक वहाँ से उड़ करके उसी गुफा में चले गए, राक्षस का उद्धार किया। उनके साथ राजा भर्तृहरि थे, भर्तृहरि जी की कथा अगर सुनी हो, राजा भर्तृहरि जी उन्होंने गुरु रघुनाथ जी से आज्ञा लेके नहीं हम इनको समझाते हैं, वो वहाँ गए। वहाँ जा करके जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो वो दिखे तो इनका स्वरूप देख करके थोड़ा सा संचित हो गए, तो भर्तृहरि राजा फिर वहाँ से वापस नहीं आए, वो भी साधु थे बाबा बन गए थे, तो वही उनका भी स्थान है। उनको बोला कि देखो ऐसा है आप भी भजन करो हम भी भजन करते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं से ये प्रसिद्ध है कलयुग में, वहाँ उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी लोग मानते हैं। अच्छी थी बाबा की कथा, इसलिए ये अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसमें कथा है आप पढ़ सकते हैं, इसमें आरती भी है। ये हमारी हिमाचल की जो सोसाइटी है उसके माध्यम से जितना कर भी प्रोग्राम होते हैं वो सब इसमें दिए होते हैं। ये अनुराग ठाकुर जी का संदेश है दिखाई दिया, और ये हमारे महेश डॉक्टर महेश शर्मा जी, और ये हमारे विधायक नोएडा के पंकज सिंह जी, ये हमारे जो मुख्य संरक्षक है मंदिर के श्री आर के शर्मा, और श्री कंठवाल जी आजकल अध्यक्ष है जिसको प्रधान के रूप में वो सेक्रेटरी है। ये हमारी जो कमेटी है कमेटी इसमें हमारे जो भंडारे होते हैं इसका विवरण दिया गया है, जितने कर्वी भंडारे हैं जितना कर्वी हमारा जो अपना कौन कौन व्यक्ति करवाता है, ये जो आगामी भंडारे हैं 22-24 तक के जितने कर्वी है ये है। हर महीने होता है 2 मंदिर है, एक 22 में है एक 71 में है। बाकी जो हमारे जो फंक्शन होते हैं इसकी फोटो जो वो है जो भाई किस तरह से होता है, एक अर्धवार्षिक ज़्यादा होता बड़ा होता है, एक और एक हमारा वो वार्षिक फरवरी में होता है, इसमें हवन पूजा पाठ भंडारोहण थोड़ी यात्रा निकलती है शोभा यात्रा भी होती है। ऐसे है बस इतना ही है। और आप ये बता दीजिए कि आप हमें बाहर से प्रसाद लाना पड़ता है या यहीं से मिलता है प्रसाद?
मंगलवार को यही मिलता है, बाकी संडे संडे को अगर रोड का चढ़ाना है उसका अलग से सुविधा है, हम सब खुशी है उसमें रोड हलवा बनता है, यदि आपके हाथ से यदि कोई केला फल को आपको बाहर से लाना पड़ेगा धन्यवाद। तो ये देखिए भगवान जी की तस्वीर, बालकनाथ बाबा ने बैठ के तपस्या करी थी। देखिए भगवान जी जोत जला, सब लोग जोत जलाते हैं क्योंकि यहाँ पे तुलसी माता जी हैं, और देखिए चुन्नी भी बांध रखी है उनके ऊपर। देखिए इसका धुना है, अभी इसके गेट खुले नहीं है, यहाँ पाठक बंद हो रखे हैं अभी, तो अभी हम खोल नहीं सकते। ये देखिए बाबा जी का धुआं, चलो मैंने खोल के दिखाई दिया। देखिए बाबा जी के चिमटे जहाँ से उन्होंने वो निकाला था, छात निकाली थी और रोटी अपनी माँ को देने के लिए। देखिए ये धूप शायद यहाँ पे जलती रहती है हमेशा, बहुत ही अच्छा था बाबा। अगर आपको पानी पीना हो तो आप पानी पी सकते हैं। और ये बाबा जी की तस्वीर लगी है यहाँ पे, देखिए ये शिव जी के अंश माना जाता है कुछ लोग कहते हैं, इसलिए इनकी तस्वीर है शिव जी के साथ। और अनेक इनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, मोर के साथ भी है इनकी एक अच्छी रचना। और देखिए जय बाबा बालकनाथ जी की बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं यहाँ, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आकर, देखिए बहुत ही अच्छा है। और ये बालक बाबा बालकनाथ मंदिर है, ये सेक्टर 71 नोएडा में है, शोभा यात्रा निकाली जाती है यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। आप भी आइएगा ज़रूर, कहीं ज़्यादा दूर नहीं है अगर आप नोएडा में रहते हो। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं इसमें, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि मैं घर जाके ये किताब पढ़ के देखूंगी कि इनकी कितनी कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। और आज की वीडियो में यही समाप्त करना चाहूँगी, और आपको बहुत ही मज़ा आया होगा इस वीडियो में, आशा करती हूँ। सो अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ का लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले व्लॉग में मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके बाय बाय, बाबा बालकनाथ।